डीएसओ द्वारा आयोजित की गई परिचर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव में छात्र युवाओं की भूमिका पर आयोजित की गई इस परिचर्चा में छात्र व युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस परिचर्चा के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका पर ध्यान देने की बात कही गई। साथ ही युवाओं से कहा कि वह अपनी ताकत पहचाने। एक परिवार में अगर कुछ भी है खाने के, वो बच्चों को ही तो दे। 3,000 बच्चे भूख से मर जाते हैं, ये बदलना नहीं चाहिए। 4.5 लाख महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती प्रसव वेदना के समय। अपना फर्ज की इतिश निकल लेंगे क्या? वोट डालने तक ही होगा? वोट डालने के लिए सिर्फ नहीं चाहिए। हमको खुद को अपनी जिम्मेदारी से हमको गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इस बात का ढिंढोरा पीटना होगा, इस बात को बताना होगा कि ये कौन कौन सी पॉलिसीज दे रहा है। जो भी ताकत हमारी हो, हम 2 होंगे 3 होंगे, जो भी हमसे बनेगा हाथ में हमारे, कुछ भी होगा उससे खिलाफत करना। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमको खिलाफत करना है। छात्र संगठन डीएसओ की तरफ से आज अभी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक परिचर्चा का आयोजन किया है, जिसमें आम जो छात्र है उसकी जो भूमिका इस चुनाव में होना चाहिए उसको लेकर एक परिचर्चा है कि किस तरीके से इस चुनाव में वो अपनी भूमिका अदा करे। और कहीं ना कहीं जो उसके मुद्दे हैं जो आम चुनावों में होने चाहिए उनको उठाया जा सके, इसी को लेकर ये परिचर्चा रखी।